आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चों की जिन्हें अपने कच्चे बादाम को जल्दी पकाना है। लड़कियों को हवस की नजरों से देखना है। यहाँ पर कोई भी किसी की भी ले सकता है, बस अगर आप चूतिया ना दिखते हो तो। एक लड़की पटाने के लिए हम कई लड़कियों की लेनी पड़ती है। मूवी देखकर आप सोचेंगे, काश मैं भी ऐसा कर पाता, तो दिल थाम कर बैठिए। मेरी गारंटी है मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्थर है। ऑर्थर एक पपली किस्म का बच्चा है। इसे लड़कियों के साथ रंगरलिया बनाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। जब वो स्कूल जाता है तो उसका दोस्त गुई गुई मिलता है, जिसकी हालत तो आप देख ही रहे होंगे। स्कूल में ऑर्थर येली को पटाने की कोशिश करता है, मगर येली उसे धमका कर वहाँ से भगा देती है। क्लास खत्म होने के बाद वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहाँ ऑर्थर ओसिमा को देखता है और उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। ओसिमा के फादर पूल के इंचार्ज होते हैं। इसके बाद हम मैट को देखते हैं, जिस पर स्कूल की सभी लड़कियां मरती हैं। मगर वो जब वो मैट और ओसिमा को किस करते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ऑर्थर ओसिमा के पास जाता है और उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है, क्या हम बात कर सकते हैं? और मैं कुछ भी करूँगा। जिस पर ओसिमा मान जाती है। ऑर्थर कहता है, क्या तुम मुझे और मेरे दोस्तों को लड़कियों के साथ मेकआउट करना सिखा सकती हो? जिस पर ओसिमा उससे ज़्यादा पैसे मांगती है। ऑर्थर बार्गेनिंग करके उसे मना लेता है। फिर ओसिमा ऑर्थर का स्वीप सूट मांगती है। वादे की वजह से वो उसे अपना स्विम सूट दे देता है, जिसे ओसिमा सभी लड़कियों को दिखाकर उसका मजाक उड़ाती है। नर्वस होने की वजह से ऑर्थर वहीं पर फिसल कर गिर जाता है और उसका पिछवाड़ा दिख जाता है। वहाँ पर सभी लोग हंसते हैं और पूल का इंचार्ज यानी ओसिमा का फादर ऑर्थर पर बहुत गुस्सा करते हैं। अगले सीन में ऑर्थर और गुई गुई अपनी तरह के दो लड़कियों और ढूंढ लेते हैं, ताकि उनको पैसे कम देने पड़े। फिर वो चारों मेकआउट की क्लास लेने ओसिमा के पास जाते हैं। सबसे पहले ओसिमा सभी से पैसे लेती है और फिर वो अपनी क्लास स्टार्ट करती है। इसके बाद ऑर्थर घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने घर के माहौल में खुश नहीं रहता है। ऑर्थर की मदर मेडिकल के बहाने पॉपिनल के साथ रंगरलियम बनाती है। पॉपिनल उस पूल का ट्रेनर होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ओसिमा को छोटे छोटे कपड़े पहनकर शीशे के सामने नाचते हुए देखते हैं। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं। ओसिमा निराश होकर कपड़े चेंज कर लेती है। अगले दिन ओसिमा क्लास में अपने साथ अपनी फ्रेंड को लाती है, जो समीर को लाइन मारती है। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी ओसिमा के फादर आ जाते हैं और उन चारों को देखकर गुस्सा करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर अगले दिन ओसिमा के लेक्चर की वजह से चारों अपनी लुक को चेंज कर लेते हैं। उन चारों को देखकर ओसिमा खुश हो जाती है और उनकी तारीफ करती है। इधर ऑर्थर की मदर पॉपनल के साथ इंजॉय करती है, मगर उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म ले लेती है। और इधर ओसिमा मैट के साथ बेड पर गुल छर्रे उड़ा रही होती है और मैट उसके साथ घपाघप करने की के लिए उसकी पैंट खोलने की कोशिश करता है, मगर ओसिमा उसे रोक देती है और मार्कर से दीवार पर अपना नाम लिख देती है। दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने की वजह से ऑर्थर की मदर और पॉपनल के बीच दूरी हो जाती है। इसके बाद उन चारों की क्लासेस चलती रहती है, जिसकी वजह से ओविन एक लड़की का को पटा लेता है। फिर मैट ऑर्थर को धमकी देता है और कहता है कि तुम ओसिमा से दूर रहो तो अच्छा होगा। फिर एक क्लास में ओसिमा किस करना सिखाती है और प्रैक्टिकल अपने ऊपर करवाती है। सबसे पहले वो समीर को किस करने के लिए कहती है, मगर वो सही से नहीं कर पाता, जिसके बाद ओसिमा की फ्रेंड आकर समीर को किस कर लेती है। जब ऑर्थर ओसिमा को किस करता है तो ओसिमा के अंदर भी फील आ जाता है और ये देर तक किस करते हैं। फिर ऑर्थर ओसिमा को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो मिलते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ओसिमा ऑर्थर से कहती है, मैट मेरे साथ घपाघप करना चाहता है, मगर मैं उसके साथ करने से पहले घपाघप करना सीखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ घपाघप करोगे? जिस पर ऑर्थर पहले तो मना करता है, मगर बाद में वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ घपाघप के लिए हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों रात में पूल के पास जाकर किस करते हैं और घपाघप कर लेते हैं। रात में देर से आने की वजह से ऑर्थर की मदर उस पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन
उसमें अपन को क्लास देने से मना कर देती है। उनके बीच बहुत बहस होती है। इसके बाद ओसिया मैट से मिलती है। मैट उसके साथ खिड़कियों की तरह चिपकने लगता है, जो उसे पसंद नहीं आता। वो वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से मैट ऑर्थर से लड़ाई करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ओसिया मेरे से दूर हो रही है। फिर ऑर्थर बाथरूम में जाता है, तभी वहाँ याली आती है और उससे सॉरी मांगती है और उसे घपा घप करने के लिए कहती है, और अपनी मौसमी पर ऑर्थर का हाथ रख कर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर ऑर्थर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सब साथ में बात कर रहे होते हैं, तो ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो ओसिमा को सुनाने लगता है, जिससे ओसिमा को गुस्सा आता है और वो ऑर्थर को थप्पड़ मार देती है। इसी बीच ओसिमा के फादर वहाँ आते हैं और पुलिस बुलाने लगते हैं। वो पांचों वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर पुलिस उनको पकड़ लेती है, जिसके बाद उनके बीच की डील का सभी को पता चल जाता है। सभी के पेरेंट्स उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसके बाद ऑर्थर ओसिमा से बहुत बार माफ़ी मांगता है और पूल में ही जॉब करने लगता है, और रोज़ सुबह ओसिमा की विंडो पर ओसिमा को देखता है। काफ़ी दिनों तक वो उसे नहीं दिखती। फिर ओसिमा को ऑर्थर से प्यार होता है, जिस वजह से वो खुद को नहीं रोक पाती, और एक दिन ये दोनों मिल जाते हैं। इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद।